ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये 40 लाख का है। और इस तो आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये देखिए अभी पूरा तैयार हो रहा है। तो अंदर ये देखिए यहाँ पर पटाखे लटकाए जाएंगे। देखिए कितना बड़ा है ना। इंडिया में सिर्फ 3 बने हैं, तो एक यहाँ पर बने पटाखे वगैरह इसमें। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त दविंदर, तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? तो अभी टाइम हो गया पूरे 11:40 हो गया है। मैं आपको लेकर चलूंगा बिगेस्ट रावण दिखाने हमारी पूरी ट्राई सिटी के अंदर, है ना, पंचकूला मोहाली चंडीगढ़ के अंदर, है ना। तो वो बन रहा है पंचकूला में सेक्टर 5 में, और वो सबसे बड़ा रावण बोल रहे हैं कि वो ही है, 177 फीट का बोल रहे हैं। बाकी चल के वहाँ पर बताऊँगा, मुझे भी नहीं पता अभी इतनी इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं। It was not easy from the start. There were days. So guys, bike ki band ho gayi, start hi nahi ho rahi. Ho gayi, ho gayi. Miss maar diya na thodi thodi ho gayi. Dhuan dekho kitna chhod rahi hai beche. This when I fell apart. तो गाइस पहुंच तो मैं गया, बाइक यहाँ पर खड़ा दी और वो सामने बन रहा है, बाकी चल के देखते हैं वहाँ पर। तो गाइस ये रावण है ना 171 फीट का है। तो आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये देखिए अभी पूरा तैयार हो रहा है। तो अंदर ये देखिए यहाँ पर पटाखे लटकाए जाएंगे। देखिए कितना बड़ा है ना, मेरे जैसा बंदा इसमें कितने ही आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लटका देंगे। और ये बोल रहे हैं कि इस बार जो इसका दहन होगा ना, तो वो रिमोट कंट्रोल के साथ होगा, कि बटन दबा देंगे और पटाखे चलने लग जाएंगे, और इसके अंदर ग्रीन क्रैकर डालेंगे, ये बताया। बाकी ये देखो कितना बड़ा हो ये रहा इसका फेस। 24 तारीख का दशहरा है ना, तो आज 4 तारीख हो गया, तो 20 दिन में इसको पूरा बना लेंगे, आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सही है, यहीं पर आएंगे इस बारी देखने, इसी ग्राउंड में लगाएंगे शायद। और ये जो मॉल है ना, मॉल के बिल्कुल सामने है। और पीछे ना मेला भी लगा हुआ था वहाँ पर, वो तो हट गया, बट ये अभी बन रहा है रावण, नई चीज़ बन रही है तो ज़रूर, है ना, देखें। बाकी अभी स्ट्रक्चर बन रहा है अभी, ये देखो वहाँ पर सारा टेंट टूंट है, वहाँ पर फेविकोल वगैरह सब कुछ गर्म कर रहे थे वो। बाकी ये देखो सही है काफ़ी। हाँ जी, ये है 171 फुट का, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अच्छा, ये मतलब 40 लाख रुपए का खर्चा इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया रावण बनाएंगे, हर साल ये बनाए जाते हैं। अब की बार इंडिया में 3 बने हैं। अच्छा, एक यहाँ बने। और पटाखे वगैरह इसमें 5 लाख रुपए के पटाखे इसके अंदर लगाए जाएंगे। अच्छा, जो कि बड़े से बड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। तो गाइस पूरे मतलब कि बन जाएगा 20 दिन के अंदर, आप देख सकते हैं। जस्ट कीप फॉलोइंग योर हार्ट, कीप दैट होप, cuz इट्स होप दैट डाइज द लास्ट, टू नेवर गिव अप, टू नेवर बैक डाउन। आई जिसके ऊपर ना पूरा खर्चा, रावण का पूरा खर्चा, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये 40 लाख का है, और इसके अंदर 5 लाख के पटाखे लगाए जाएंगे। और ये इंडिया में सिर्फ 3 बने हैं, तो एक यहाँ पर बना है, बाकी तो मैं पूछता हूँ कि कौन सी जगह पर है, तो पूछना भूल गया। तो ठीक है ना, तो वो बोल रहे हैं ना कि सिर के ऊपर कुछ चक्री वगैरह होगी, वो घूमेगी और सारी सेपरेट होगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी सही है, तगड़ा है सीन। इस बारी रावण दशहरा यहीं पर आएंगे देखने, क्योंकि नज़दीक ही यार है ना, जो पंचकूला में मतलब कि चंडीगढ़ के अंदर रहता है वो भी आ सकता है, और जो मोहाली के अंदर रहता है वो भी आ सकता है। तो पंचकूला वाले तो चलो यहाँ पर आएंगे। आई थिंक पहले ये कोविड से पहले ही बना था बड़ा रावण, बट इस बारी अब बना है, तो ज़रूर आना। बाकी देख सकते हैं आप। बारी दशहरे पे पूरा मजा आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रावण देखने को मिलेगा। और इसकी लोकेशन ये है कि पीछे आपको मॉल दिख ही रहा होगा, सेक्टर 5 है ना पंचकूला, तो आप आ सकते हैं देखने, इसको भी देखने आ सकते हैं अगर अभी बनते हुए भी देखना, क्योंकि मुझे तो मज़ा आता है देखने में। तो ये देखो अभी सारा मतलब कि बन रहा है ना, 20 दिन है, अभी 4 तारीख हुई आज, 20 दिन में खड़ा कर देंगे, तो यहीं पर बनाते हैं सारा कुछ। बाकी निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलेंगे। प्यास लग रही है, ये रही हमारी बाइक। हाँ जी गाइस, तो मैं आ गया घर, होप करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि
नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।